हेलो एवरीवन, वेलकम टू अदर 24/7 स्पेशलिस्ट ऑफिसर यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्पेशली जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहले फटाफट आप लोग आ जाइए, और आप लोग के लिए एक बिग अनाउंसमेंट है। कल से यानी कि 14 जनवरी से हम लोग का सेबी ग्रेड ए का जो कोर्स है, जो बैच है, वो आप लोग का शुरू होने जा रहा है, जिसमें लीगल स्ट्रीम का क्लास आप लोग का 11:30 से 12:30 तक 14 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक आप लोग का चलेगा। मतलब ये 1 महीने का क्रैश कोर्स है। सो जिसका भी टारगेट सेबी एग्जाम को क्लियर करना है, तो इस बैच में आप लोग का फेज 1 के साथ साथ फेज 2 का भी आप लोग का सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आप लोग चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं और यूज द कोड Y391 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट इन दिस बैच। इस बैच में आप लोग के और भी अदर सब्जेक्ट्स के जो फेज 1 फेज 2 में है, सबका आप लोग का पढ़ाई होगा। So, जिसको अभी एडमिशन लेना है ले सकता है। गुड आफ्टरनून दीक्षा। सो हम लोग क्या कर रहे थे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, और प्लीज मेरे साथ क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते रहिए जब तक आप लोग का एग्जाम ना हो जाए। आपको भी लगता है कि भाई जनवरी में मे भी, नॉट आई एम सेइंग कि 100%, बट मे भी आप लोग का जो एग्जाम है पोस्टपोन हो जाए, बट क्यों ना हम अपने आप को इतना प्रिपेयर कर ले कि भाई जो भी एग्जाम हो, जो भी आप लोग का फ्यूचर डेट आएगा, आप लोग बिल्कुल नहीं कहेंगे कि अरे यार मेरा तो प्रिपरेशन ही नहीं हुआ। सो इस चीज को पॉजिटिव वे में लीजिए और अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके, नाउ आप लोग को बता दूं, ये हम लोग का बैच एज इट इज चल रहा है, जो कि 3 जनवरी से शुरू हुआ था। इसका चाहे तो आप लोग रिकॉर्डेड क्लास भी ले सकते हैं अगर आप इस चीज को परचेज करते हैं। ठीक है, देखिए कोशिश करिए, लास्ट में हमेशा मैं आपसे मार्क्स पूछती हूँ, तो हर टेस्ट में आप लोग का 10 out of 10 आए, और अगर कम मार्क्स भी आते हैं तो वरी नहीं होने का है। आप लोग सिंपली इसको और अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, दीक्षा जल्दी बताइए बेटा, सरफेसी का फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि आप लोगों में फुल फॉर्म, जैसे इन लोग का हर एक बैंक का जो आप लोग का जो आप लोग का मार्क भी होता है, वो सभी क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला है आप लोग का कि सरफेसी का एग्जैक्टली फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी बताइए। जल्दी सरफेसी का फुल फॉर्म, सो इट्स अ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड री इन्फोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट। एग्जैक्टली रिजवान, तो इसका आप लोग का डी सही आंसर है। देखो इसको हमें तोड़ तोड़ के अगर बनाए तो देखो इस आप लोग के फुल फॉर्म में ना सरफेसी का एग्जैक्ट मतलब भी बता देता है कि इसका मेन फंक्शन क्या है। तो सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट, और तीसरा क्या है आप लोग का, इन्फोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द दिस वन सिक्योरिटाइजेशन। एक्सीलेंट इशिता, आपका बिल्कुल सही है बेटा। तो सरफेसी का बस मैं आप लोग को ब्रीफ बता दूं, सरफेसी एक्ट बेसिकली जो भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोरोवर से पैसे, बोरोवर उसको पैसे नहीं दे रहा है, सो अंडर द सरफेसी एक्ट दे हैव अ पावर टू टेक मनी फ्रॉम द बोरोवर विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, दैट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द सरफेसी। मतलब बिना कोर्ट गए हम आप लोग अपने पैसे को, जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने पैसे को निकाल सकता है। ठीक है, तो ये जो जितने भी क्वेश्चंस है आप लोग के, जितने भी बैंक्स के लॉ ऑफिसर्स के एग्जाम है, सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो जो सेबी का भी एग्जाम देने जा रहे हैं उन, ये वो लोग भी इस चीज को देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गिव बर्थ टू द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। देखो क्वेश्चन आप लोगों से रिलेट है, जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन इस क्वेश्चन से आप लोग के रिलेट है, जल्दी बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कौन से एक्ट के अंतर्गत आप लोग का, मतलब किसने इसको बर्थ दिया है, जल्दी बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सरफेसी एक्ट, कंपनी एक्ट या डीआरटी एक्ट, और ये चारों एक्ट आप लोग के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चारों एक्ट आप लोग का इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। क्विकली क्विकली टेल मी द एग्जैक्ट वन।
इशिता ने बोला मैम सेकंड का बी, और जल्दी बताइए देखो क्वेश्चंस को आप लोग याद करिए। रिजवान ने बोला सेक्शन थ्री, सेक्शन थ्री, ओके जल्दी जल्दी बताइए। हरिका ने कहा डी, डी कैसे, डीआरटी कैसे हो गया हरिका? इसको सिंपल वे में देखिए आप लोग का क्या चीज, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसमें से कौन से एक्ट ने वर्ड दिया। तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा ना, तो थोड़ा सा नाम को रिलेट करिए ना, नाम को रिलेट करो। अब बताओ अब आप लोग का क्या आंसर होना चाहिए, सरफेसी का रिकंस्ट्रक्शन, तो आप लोग का आंसर क्या है, दैट इज सरफेसी। मतलब इसमें तो आप लोगों को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, कोई आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें आप लोग का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैव ऑथराइज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू डील इन द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, जल्दी बताइए। इसका एग्जैक्ट आंसर बताइए क्या होगा, who have been authorized by Reserve Bank of India to deal in the foreign exchange transaction। देखिए ये आप लोग का जो क्वेश्चन है, देखो मैं हमेशा से बोलती हूँ क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस को बनाइए। अभी इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें देखना है कि ये कहाँ से लिया गया है, कौन से एक्ट से। तो ये आप लोग का फेमा है, फेमा नोट डाउन कर लिया। सेकेंड फेमा में इसमें आपका क्या पूछा गया है, जो डेफिनेशन टर्म है ये आप लोग का इंपॉर्टेंट कंटेंट है। मतलब इस क्वेश्चन से हम लोग को फेमा एक्ट के बारे में मालूम चल गया कि फेमा से क्वेश्चन आ सकता है, और फेमा का जो डेफिनेशन टर्म है दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो थर्ड का आदित्य ने बोला ऑथराइज डीलर, ओके। और किसी का जितेंद्र दीक्षा, जरा ना आप लोग क्वेश्चन लिख लिया करो कि थ्री के बाद, थ्री का आंसर ए है, टू का आंसर ए है, ऐसे दिया करो, क्योंकि ना थोड़ा ये एक मिनट मेरा ये आप लोग का जो रिप्लाई करते हो तो मुझे 15 सेकंड के बाद दिखता है, सो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। सो थर्ड का डी बोला, ओके। और बताइए जितेंद्र आपने ए कहा, ऑथराइज एजेंसी, बहुत ही ईजी है ये आप लोग का आंसर, बहुत ही ईजी है। इस क्वेश्चन से आप लोगों ने दो चीज को लर्न कर लिया, तो इसको भूलिएगा मत, फेमा और आप लोग का डेफिनेशन टर्म। तो फेमा में आप लोग का ऑथराइज डीलर का डेफिनेशन गिवन है, सो फॉर दिस वन दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। अब फेमा क्या होता है मैम, तो फेमा आप लोग का एक एक्ट है, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इसमें आप लोग का जो भी फॉरेन, जो मनी से रिलेटेड एक्सचेंज होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो आप लोग का फेमा एक्ट अप्लाई होता है, दैट इज फॉर इंडिया, ठीक है। इसका एप्लीकेशन इंडिया के सारे मेंबर्स पे अप्लाई होगा, इवन जो इंडिया का मेंबर का बाहर भी ओनरशिप है किसी कंपनी में तो वहां भी आप लोग का फेमा अप्लाई होगा। एग्जैक्टली दीक्षा, महक लॉ का, कौन सा लॉ एंट्रेंस का ना, महक आप किस चीज का बात कर रहे हैं, कौन से बैच का, लॉ एंट्रेंस का, महक जल्दी बताइए। तो लॉ एंट्रेंस का भी बैच आप लोग का आडा 24/7 जल्द ही लेके आ रहा है, ठीक है। आप लोग का जनवरी लास्ट तक लॉ एंट्रेंस का बैच आ जाएगा, न्यू बैच, ओके दीक्षा, ओके महक, ठीक है। चलो फोर्थ वन देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एजर्शन और रीजन वाला आप लोग का ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा एजर्शन रीजन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। जल्दी बताइए आपका assertion में है Reserve Bank of India is an important regulatory and administrative authority to execute the FEMA provision, और reason है being monetary authority and custodian of foreign exchange, Reserve Bank of India enjoy the requisite expertise of the FEMA administration। तो fourth का exact बताइए कि क्या चीज है, दोनों एक्स वाई सही है या reason इसका सही है assertion का कि नहीं। fourth का जल्दी बताइए, फोर्थ का एग्जैक्ट आंसर। थर्ड
थर्ड का, अभी थर्ड पे पहुंची मैं, फोर्थ क्वेश्चन पे आ गई, जल्दी बताओ इसका। ये आप लोगों का रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है, assertion reason वाला। तो सबसे पहले ना इसको पढ़ो, उसके बाद because करके ना, because करके reason का सेंटेंस आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सो अजय ने बोला फोर्थ का सी वन, ओके सी, बोथ एन एक्स एंड टी आर इनकरेक्ट, ओके ये वाई है, दिस इज वाई वन, जल्दी बताइए इसका आंसर। अच्छा आपको लग रहा है कि दोनों इनकरेक्ट है, ओके और बताइए। फोर्थ का इशिता, आदित्य, इन सब ने कहा है मैम फोर का बी इज द राइट आंसर, रिजवान का भी बी है, एग्जैक्टली आप लोगों का फोर्थ का, ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बोला है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 एक्ट, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट एक्ट है। इस एक्ट में आरबीआई के बारे में बोल रहा है कि दिस इज द इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट द फेमा, बिल्कुल सही। जब हम लोग फेमा एक्ट पढ़ते हैं तो फेमा एक्ट में आप लोगों का दो अथॉरिटी है, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एक ईडी है, तो इन दोनों के पास अथॉरिटी है फेमा के एक्ट रूल्स रेगुलेशंस को मैनेज करने का। उसका रीजन है बिकॉज द मॉनिटरी अथॉरिटी एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंजॉय द रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही रीजन गिवन है। सो दैट्स व्हाई आप लोगों का बी क्या है, एग्जैक्ट आंसर है, दैट इज एक्स एंड वाई इज करेक्ट एंड वाई इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्स, एग्जैक्टली। समझ में आ गया आप लोगों को, बिल्कुल सही हरिका, आप सबका आंसर सही है। सो इसमें फोर्थ का आप लोग का बी इज द एग्जैक्ट आंसर। तो कोशिश करिए जो क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ पे मेंशन किए जा रहे हैं, एक ना कॉपी बना लीजिए आप लोग, उस कॉपी में जैसे देखो 10 जनवरी से आप लोग का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला सीरीज स्टार्ट है, जो कि आईबीपीएस और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब एक सीक्वेंस बनाएंगे ना, अब सपोज ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में मुझे मालूम चल गया कि फेमा इज इंपॉर्टेंट एंड नेक्स्ट वन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इंपॉर्टेंट, तो भाई दो एक्ट मुझे मालूम चल गया। तो जो आप लोगों ने पेड बैच में पढ़ा था तो हमें उसका कनेक्ट करो, अब पेड बैच में उस क्लास को खोलो और क्वेश्चन को देखो। इस तरह अगर आप लोग करोगे तो जब तक आप लोग का टेस्ट नहीं होगा तब तक यहां से आप लोग को अडर 24/7 की तरफ से हमेशा 3 बजे ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के क्लास के वजह से, ओके। फेमा का फुल फॉर्म है दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दैट इज सो सिंपल, ठीक है। तो अगर अजय देखो, अजय ने बोला फेमा, मैम फेमा का फुल फॉर्म क्या है, तो आप देखो फेमा से और क्वेश्चन अराइज करो कि फेमा से पहले कौन सा एक्ट था, फेरा था, मतलब उसमें रेगुलेशन था, तो वही है ना, सरकार आती है तो सरकार, नई सरकार कुछ अपना माइंड अप्लाई करेगी और नाम कुछ चेंज कर देगी, तो फेरा से क्या हो गया आप लोग का, फेमा हो गया, ठीक है। नाउ फिफ्थ वन, एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अब देखो ये कौन सा एक्ट है आप लोग का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में स्टूडेंट्स ये आप लोगों का वर्ड गिवन है, वर्ड का मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी जो डेफिनेशन टर्म है वो आप लोग का इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप लोग का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इंक्लूड, अब देखो जिसने भी इसका डेफिनेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पढ़ा है वो इजीली इसका आंसर बता सकता है, और जो मेरे साथ पेड क्लास ले चुके हैं, भाई मैम तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हमेशा पढ़ाती ही हैं, तो आप लोगों ने ये चीज पढ़ा है, तो जो मेरे स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं वो गलत आंसर नहीं देंगे, एग्जैक्टली। देखो आदित्य वही कर रहा है जो मैं इसको बोल रही हूं, हर एक स्टूडेंट को बोलती हूं, देखो खुद सोचो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाता स्टूडेंट कि हम सारे क्वेश्चन को टेस्ट से पहले दोबारा से देखें, आधे घंटे का स्लाइड अगर हम लोग पूरा देखने बैठेंगे तो कितना भाई टाइम हो जाएगा, तो क्यों ना हर एक क्वेश्चन को मैं, अब देखो इसमें आप लोगों को क्या नोट करना है, इसमें सिंपली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पुराना वाला एक्ट है, और इसमें सिंपल लिख दो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, इतना बस आप लोग को इस क्वेश्चन में लिखना है, और टाइम मिले तो इसका बस आप लोग एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, हो गया। जल्दी बताइए, ओके गुड आदित्य, देखिए तपस्या करेंगे तभी आप लोग को फल मिलेगा, तो ये आप लोग का तपस्या है, जिसने ये कर लिया उसका सिलेक्शन निश्चित है। मतलब खुद अज्यूम करो 10 जनवरी से आप लोग के क्वेश्चंस आप लोग के चल रहे हैं, तो अगर ऐसे ही क्वेश्चंस चलेंगे तो कितना कलेक्शन हो जाएगा आप लोग के पास क्वेश्चंस का। सो फिफ्थ का आप लोग का क्या आंसर बोला, फिफ्थ का ए लग रहा है आप लोग को, फर्स्ट एंड सेकेंड,
फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्यों नहीं लग रहा? इट रिप्रेजेंट द गुड्स और सर्विसेज हैव द स्पॉन्सरशिप अप्रूवल परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच डू नॉट हैव अ कोर्ट्स बेनिफिट व्हिच डू नॉट हैव अ कोर्ट्स. ओके, फिफ्थ का डी बोला है आदित्य. एक बार दोबारा देखिए, हरिका एक बार दोबारा देखिए, इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट वन. इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए जिन्होंने गलत किया है. अब देखो जैसे अजय ने बोला फेमा का फुल फॉर्म क्या, तो आप लोग भी ऐसे फुल फॉर्म्स लिखिए, क्वेश्चंस लिखिए, विश्वास मानिए आप लोग का सिलेक्शन होना ही होना है. तो जो आप लोग का फिफ्थ आंसर है आदित्य, आप लोग का फिफ्थ का द एग्जैक्ट आंसर इज डी, दैट इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों आप लोग का इस डेफिनेशन टर्म में मैच करता है. ठीक है आदित्य, चलो नेक्स्ट. द एप्लीकेशन टू ओपन एन अकाउंट फॉर द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली साइंड बाय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन सेंस यूज करिए, इसमें भी आप लोग कंफ्यूज होंगे. गुड इशिता, यू आर राइट बेटा. एक बार आप लोग चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. ठीक है, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कोई नहीं आदित्य, इट्स ओके. मतलब आदित्य कोशिश यही रहनी चाहिए कि क्वेश्चन जो यहाँ पे बोर्ड पे गलत हो रहा है आगे चल के गलत ना हो. बस मेरा बस मेन इंटेंशन यही है आप लोग को यहाँ पढ़ाने का. तो इसको भी सोच समझ के बोलना. द एप्लीकेशन टू ओपन एन अकाउंट फॉर द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मस्ट बी साइन बाय द कर्ता एंड ऑल अडल्ट मेंबर, ऑल मेंबर्स और एनी ऑफ द अबव. सबसे पहले हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है इसका मीनिंग लिखो. आप देखो इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब दूसरा साइन ऑफ द अकाउंट्स, मतलब जो अकाउंट्स खुलता है तो क्या उसमें, सबसे पहले तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब समझो, उसके बाद अगर आ गया समझ में तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं. इस चैनल को गाइज आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ठीक है, और जो भी आप लोग के ग्रुप्स भी हैं उसमें भी इस सेशन को आप लोग शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आप ही को बेनिफिट होगा. जब कंपटीशन बढ़ेगा तो आप लोग को और अच्छे से पढ़ने का मन करेगा. सो इसका आप लोग का बहुत ही बढ़िया सिक्स का एग्जैक्ट आंसर बताओ. मैं जानती थी कि आप लोग का गलत आंसर होगा ये. सिक्स का द एप्लीकेशन टू, देखो ध्यान से, मैं जानती थी कि आप लोग करता ही बोलेंगे, ध्यान से इसका आंसर दीजिए. दीक्षा आप लोग का बेटा जल्दी बताइए सिक्स्थ का एग्जैक्ट आंसर. द एप्लीकेशन टू ओपन एन अकाउंट फॉर द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सिक्स्थ का जल्दी बताइए. आहा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हम सब जानते हैं कर्ता इज द हेड ऑफ द फैमिली, यू नो ऑल दैट. लेकिन अगर अकाउंट खुलता है टू ओपन एन अकाउंट, तो इसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सारे मेंबर्स का, मतलब जिन जिन मेंबर्स का आप लोग का अकाउंट ओपन हो रहा है, ऑल मेंबर हैव टू साइन. मैं जानती थी आप लोग कर्ता बोलेंगे. सो प्लीज इस क्वेश्चन को लर्न करिए, प्लीज इस क्वेश्चन को लर्न करिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. समझे, एडल्ट मेंबर्स नहीं. अब भाई एडल्ट का थोड़ा ना कहीं गिवन है कि एडल्ट मेंबर ही. अब एडल्ट का क्या मतलब है यहाँ पे हमें नहीं मालूम, नहीं डिफाइन है. तो आप लोग के लॉ में गिवन है कि दैट इट शुड बी साइन बाय द ऑल मेंबर्स जिसका भी द एप्लीकेशन टू ओपन एन अकाउंट, दैट्स इट. ठीक है, इट डजेंट मैटर कि एडल्ट है कि क्या है, बट सबके साइन होना जरूरी है. तो सिक्स का एग्जैक्टली That is C is the right answer. मतलब किसी ने बस, एक जितेंद्र ने C बोला है और सबका A B D ऐसे सब आंसर आ रहा है. तो आप लोग प्लीज इसको मत भूलिएगा. चलो सेवेंथ क्वेश्चन, ध्यान से इसको देखिए. Your branch in Chandigarh decide to sanction the working capital limits to a public limited company and proposes to obtain the इक्विटेबल मोर्गेज. तो इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, इक्विटेबल मोर्गेज के बारे में है. ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी लोकेटेड इन जयपुर, द रजिस्ट्रेशन ऑफ द मोर्गेज विल बी रिक्वायर्ड टू बी डन, व्हाट, जल्दी बताइए. सेवेंथ का अजय ने बोला ओके, सेवेंथ का ओके ओके, और जल्दी बताइए. इक्विटेबल मोर्गेज का टाइप्स आप देखो, इसमें क्या आप लोगों को नोट करना है आदित्य, टीपी एक्ट. सबसे पहला ये क्वेश्चन कहां से है, टीपी एक्ट से. टीपी एक्ट का जो टाइप्स ऑफ मोर्गेज है, दिस इज इंपॉर्टेंट.
और टाइप्स ऑफ मोर्गेज में सारे कंटेंट्स, वन वन पॉइंट आप लोगों को लर्न करना है इसमें। तो जल्दी बताइए, इक्विटेबल मोर्गेज में क्या हमने पढ़ा था? इक्विटेबल मोर्गेज को और क्या बोलते हैं? डिपॉजिट, मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, रजिस्ट्रेशन करवाना। आप इसके बारे में, इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। और क्या क्या कंडीशन होती है इसमें, फटाफट बताइए। प्रियंका ने बोला बी, दीक्षा ने बोला बी, एग्जैक्टली। इक्विटेबल मोर्गेज में हमने पढ़ा है आप लोग का मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, तीन पर्टिकुलर स्टेट होता है, और स्टेट गवर्नमेंट जिसको नोटिफाइड करे वो आप लोग का वहां पे इक्विटेबल मोर्गेज अप्लाई होगा। तो इसमें आप लोग का क्या है, ये जयपुर आप लोग का यहाँ पे सिग्निफाई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सो दैट्स वाई बी विल बी द एग्जैक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड। एट्थ वन, अच्छा जी, एट्थ वन भी आप लोग का क्या है, टीपी एक्ट का है, जल्दी बताइए। टीपी एक्ट का ही आप लोग का है ये, जल्दी बताइए। एग्जैक्टली, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड इज वन, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। जल्दी बताओ, अ मोर्गेज अंडर विच द मोर्गेजर अंडरटेक्स टू रिपे द मोर्गेज मनी ऑन द फिक्स्ड डेट, ही ऑल्सो ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द मोर्गेजी अंडर द कंडीशन दैट ऑन द रीपेमेंट ऑफ द मोर्गेज मनी द मोर्गेजी विल रीट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू दिस वन। मुझे कीवर्ड मिल गया, कीवर्ड मिल गया जो मुझे आंसर में हेल्प करेगा। जल्दी बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। एट्थ का कीवर्ड मिल गया मुझे। अब जिसने भी मेरी क्लास लिया है, टाइप्स ऑफ मोर्गेज पढ़ा है, उसको दिक्कत नहीं होगा इसको सॉल्व करने में। जल्दी बताओ, एट्थ का टाइप्स ऑफ मोर्गेज इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड मैंने हाईलाइट कर दिया है, अब आप लोगों को टिक मार्क करना है आंसर। शैला का आंसर आ गया है, दीक्षा का भी आंसर आ गया, अजय का भी आंसर आ गया, और जल्दी बताइए, इशिता का भी आंसर आ गया है। बहुत बढ़िया बेटा, तो आप लोग का इसका एग्जैक्टली आंसर क्या है, इंग्लिश मोर्गेज इज द एग्जैक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो। नाइन्थ वन, By which of the following method the limitation period of a document about to become time barred can be extended? तो ये आप लोग का कौन सा क्वेश्चन है? Limitation Act का आप लोग का क्वेश्चन है, Limitation Act, okay? अब इसमें बताइए extend में क्या क्या पॉइंट आप लोग का इसमें आएगा? क्या ये जो तीनों रीजन है, तीनों रीजन सही है कि नहीं सही है? जल्दी बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर, जल्दी कोशिश करो, आधे घंटे में 10 क्वेश्चन में से 10 आप लोग पूरा सही कर सको क्वेश्चंस को। रिजवान ने बोला सी, दोबारा से क्वेश्चन को देखिए रिजवान। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द लिमिटेशन पीरियड ऑफ अ डॉक्यूमेंट अबाउट टू बिकम द टाइम बार्ड कैन बी एक्सटेंडेड। टाइम बार्ड भाई किस रीजन से, एबीसीडी क्या चीज एक्सटेंड हो सकता है? नाइन्थ का थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, आप लोग आंसर को सही बता दोगे, जल्दी बताइए। A little bit common sense that will give you the exact. Mahek beta, CLAT ka batch YT pe bhi hoga, paid bhi hoga. Paid matlab full batch banega aapka, theek hai? Don't worry, main hoon na bhi aapko yahan pe, theek hai? Exactly, bahut badhiya. Ninth ka D is the exact answer. This is the excellent, superb. Aaj matlab man khush ho raha hai ki aap log answer pura sahi de rahe hain. Good, Vaishali. Now last one, इसका please सही बताइएगा। Surfacey Act not applicable in the case of loan account in which of the following? जल्दी बताइए इसका exact answer। ये भी as it is आप लोगों के given है। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी टेंथ का एग्जैक्ट आंसर बताइए। टेंथ का
द प्रोविजन ऑफ सरफेस इज नॉट एप्लीकेबल, जहां आप लोग का लेस देन 20% से भी कम आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट होता है, यहां पे आप लोग का सरफेस एक्ट अप्लाई नहीं होता। एक्सेलेंट इशिता, अजय आपका गलत, आपका ये गलत है, 20% नहीं, 20 लेस देन 20% दिस वन, ओके, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर डी का। तो इसको आप लोग, ये लीगल फैक्ट है जो कि सरफेसी में गिवन है, दिस थिंग यू हैव टू लर्न। ओके अनुषा, दिस इज ए इज अ नॉट रॉन्ग वन, अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ये भी आप लोग का रहना चाहिए, ठीक है। सो ये आप लोग का सेशन, अब जल्दी बताइए मुझे कितना आप लोग का स्कोर कितना है आप लोग का। और अगेन आई एम टेलिंग यू, कल से आप लोग का सेबी का बैच नया शुरू हो रहा है, सो जिसको भी सेबी में एडमिशन लेना है, ही और शी कैन इजिली टेक एडमिशन। आप देख सकते हैं सेबी का बैच हम लोग के हर एक ब्रांच का है, आईटी सेक्टर का, लीगल का, जर्नल स्ट्रीम का, और बहुत ही नॉमिनल फी में आप लोगों का है। रिजवान, या एग्जैक्टली रिजवान, अबव 1,20,000 एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये आप लोग का क्या है, देख सकते हैं लीगल में अगर आप लोग को एडमिशन चाहिए, देखिए इसमें आप लोग के पांचों सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, लॉ, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर। लॉ का क्लास आप लोग का 11:30 से 12:30 बजे तक है, ठीक है। और इसका आप लोग स्टडी प्लान भी देख सकते हैं, और बहुत ही नॉमिनल फी में आप इसको परचेज कर सकते हैं। सो कल से बैच स्टार्ट है, 20 फरवरी को पहला आप लोग का पेपर है, 3 ही फेज होते हैं, तो जिसको भी इसमें एडमिशन लेना है अभी टाइम है, एग्जाम आप लोग के जनवरी वाले पोस्टपोन हो सकते हैं, तो अभी आप लोग फुल फोकस करिए सेबी पे और अपना सिलेक्शन लीजिए। आप लोग कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज Y391, अप्लाई करिए, आप डिस्काउंट देख सकते हैं, 77% डिस्काउंट है। और अगर आप लोगों को और 1% चाहिए तो आप लोग इसको चाहें तो मोबाइल से परचेज कर सकते हैं, मोबाइल में क्वाइंस पे टिक मार्क करिएगा और आप लोग का 78% तक डिस्काउंट मिल सकता है इस बैच में। सो मिलते हैं कल शाम 3 बजे, और अभी 3:30 बजे से सेबी का सेशन होने जा रहा है, जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट एक्ट्स कर रहे हैं जो कि आप लोग के फेज वन में आने वाला है। गुड स्कोर अजय, अनुषा थोड़ा सा और हार्डवर्क की जरूरत है, गुड आदित्य, एक्सीलेंट।